नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर और आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस ड्रेसिंग टिप्स के बारे में, यानी कि फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स, यानी कि वो फैशन के टिप्स जो आप ऑफिस में फॉलो कर सकते हो। इसलिए रणवीर आपके सामने हाजिर है आपके स्टाइल रूल्स के साथ। पहला स्टाइल रूल है मेल ग्रूमिंग के बारे में, यानी कि आपके बाल, आपकी दाढ़ी और आपकी स्किन कितनी साफ सुथरी है। ऑफिस ड्रेसिंग की बात की जाए तो इन तीन फैक्टर्स पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहले बात करते हैं अपने बाल के बारे में। जो यहाँ का पोर्शन है, मतलब आपके सर के ऊपर का पोर्शन, उसे थोड़ा लंबा रखें और यहाँ का साइड का पोर्शन उसे एकदम छोटा रखें। आपके साइड लॉक्स, यानी कि आपके बालों का ये पोर्शन हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए, हमेशा स्किन के थोड़े से पास रहना चाहिए। ये हेयर स्टाइल साल 2010 से 2020 तक इन ट्रेंड रहने वाली है और यही हेयर स्टाइल ऑफिसेज में भी चलती है। रही बात आपकी दाढ़ी की, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडियन ऑफिसेज में ज्यादातर दाढ़ी अप्रिशिएटेड नहीं होती, यानी कि जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनको थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा देखा जाता है। तो अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं और अगर आपके ऑफिस में अलाउड है दाढ़ी रखना, तो हमेशा ज्यादा लंबी दाढ़ी ना रखें। अगर आप लंबी दाढ़ी रख रहे हैं तो उसको हमेशा ग्रूम करके रखो, यानी कि आप मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट जैसे बियर्ड ऑयल्स और बियर्ड क्रीम्स यूज करके आपकी दाढ़ी को शेप में लाओ। और अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं जिनकी दाढ़ी ज्यादा आती नहीं, तो आप हमेशा एक क्लीन शेवन लुक रखो। ये क्लीन शेवन लुक एक बहुत सेफ लुक मानी जाती है इंडियन ऑफिसेज में। अगर आप क्लीन शेवन रहोगे तो लोग आपको प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे। और अब बात आई आपकी स्किन की। एक बहुत सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए और वो ये है कि आपके स्किन को आपको हमेशा दो बार दिन में धोना चाहिए, एक बेड टाइम के पहले सोने से पहले और दूसरी बार जब आप उठते हो सुबह में। आपको अपनी स्किन को एक माइल्ड फेस वॉश के साथ धोना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी ग्रूमिंग के बारे में। अब बात करते हैं फैशन के बारे में। अगर दुनिया में देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऑफिस में सिर्फ तीन कलर के शर्ट पहनते हैं, सफेद, लाइट ब्लू और लाइट पिंक। अगर आपको पैटर्न की शर्ट पहननी है तो सिर्फ पिन स्ट्राइप और पोल्का डॉट पैटर्न होने चाहिए, यानी कि ऐसे पैटर्न। बहुत सारे मेरे इंडियन भाई ऐसे भी हैं जो ऑफिस में बहुत सारे कलर्स पहनते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी फॉर्मल शर्ट में आप दो कलर से ज़्यादा नहीं पहन सकते हो। ज़्यादातर एक ही कलर होना चाहिए जो पूरे शर्ट पर हो। जैसे कि ये शर्ट में मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, पर इस पर छोटे से ब्लैक कलर के डॉट्स हैं और वो ब्लैक कलर बहुत छोटी मात्रा में है वो शर्ट में। वो शर्ट में ज़्यादातर व्हाइट ही है। ऐसे शर्ट्स ऑफिसेज में अलाउड होते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप ऑफिस में क्या पहन सकते हो, पहले तो मैं हमेशा कहूंगा कि आपको एक वाइट शर्ट होनी चाहिए अपने कबर्ड में और अगली आपको एक लाइट ब्लू शर्ट लेनी चाहिए। अगर आपके पास इससे भी और बजट है तो फिर एक पिंक शर्ट ले लो और आपके कबर्ड में रखो। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस में डार्क कलर्स लोग ज्यादातर नहीं पहनते हैं, लाइट कलर्स पहनते हैं, कम पैटर्न वाले प्लेन शर्ट। अब बात आई पैंट्स की। हर आदमी को अपने अलमारी में एक काली कलर की पैंट हमेशा रखनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऑफिस में जीन्स, यानी कि डेनिम जीन्स और चीनोज, यानी कि कॉटन से बने हुए पैंट्स अलाउड नहीं होते हैं। ऑफिसेज में आप सिर्फ फॉर्मल ट्राउजर्स पहन सकते हैं। तो अब अगर आप शॉपिंग जा रहे हो बाजार में, तो वहां सिर्फ फॉर्मल पैंट्स के लिए आपको पूछना चाहिए और सिर्फ फॉर्मल पैंट्स की शॉपिंग करनी चाहिए ऑफिस के लिए। आपके अलमारी में पहले तो एक काले कलर की पैंट होनी चाहिए। अगर काली कलर की पैंट नहीं मिली तो आपके पास एक डार्क ग्रे, यानी कि चाकोल ग्रे पैंट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप एक बेज, यानी कि लाइट ब्राउन पैंट भी खरीद सकते हैं। आई बात शूज की, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जैसे हम लोग ने काली पैंट ली, वैसे ही हम पहले काले जूते लेंगे, वो भी फॉर्मल जूते, बिल्कुल ऐसे। मैंने मेरे रिकमेंडेशंस आपकी शॉपिंग के लिए रेडी रखे हैं। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं काले शूज के बारे में, और अगर आपके पास बजट है तो दूसरा शू आपको लेना चाहिए डार्क ब्राउन कलर का। अगर इसके बाद भी आपको बजट है तो आप लाइट ब्राउन का एक शू ले सकते हैं। पर ये तीन शूज के अलावा मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आपको और दूसरे कोई शूज चाहिए। और एक और बहुत जरूरी चीज याद रखो कि फॉर्मल ड्रेसिंग में हम हमेशा अपने जूते अपने बेल्ट से मैच कर रहे हैं, यानी कि अगर आप काले जूते पहन रहे हो तो आपको काली बेल्ट पहननी चाहिए, अगर आप ब्राउन जूते पहन रहे हो तो आपको एक ब्राउन बेल्ट पहननी चाहिए। ये भी याद रखो कि जब आप ब्राउन की बात कर रहे हो तो वो दोनों बेल्ट और जूते का कलर एग्जैक्टली मैच नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत मैच हो गया ऐसे, तो फिर भी बात चलेगी। अब बात करते हैं वॉच के बारे में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिसेज में सिर्फ मेटल वॉचेस अलाउड होते हैं या लेदर स्ट्रैप के वॉचेस। आप डिजिटल वॉचेस नहीं पहन सकते और आप एक कैजुअल स्टाइल वॉचेस नहीं पहन सकते जिन पर ये ऐसे कलर्ड पट्टे होते हैं। ऐसे वॉचेस बिल्कुल अलाउड नहीं है ऑफिसेज में। और फाइनली हम बात करते हैं दो ऐसे चीजों के बारे में जिन पर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम बात कर रहे हैं सॉक्स के बारे में।
हमेशा याद रखना कि आपके सॉक्स का कलर या तो अपने जूतों के कलर से मैच होना चाहिए या आपके पैंट के कलर से मैच होना चाहिए। और फाइनली हम बात करते हैं परफ्यूम के बारे में। अगर हो सके और अगर आपके पास बजट हो तो डेफिनेटली आप परफ्यूम एक खरीदो जो आप हर दिन यूज कर सके ऑफिस में। अगर आपके पास बजट नहीं है परफ्यूम का तो थोड़ा सा डिओड्रेंट यूज करो। ऑफिस एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट होती है। अगर आपके बदन से बहुत बदबू आ रही होती है तो वो एक प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती। अगर आपको प्रोफेशनल पेश आना है ऑफिस में तो परफ्यूम्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको परफ्यूम्स के बारे में और जानना है तो आप हमारे इंग्लिश चैनल पर हमारे परफ्यूम्स का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया और अगर आपने बहुत सारा कुछ सीखा तो डेफिनेटली थम्स अप दे दो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लो और रणवीर अलहबादिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो।